क्या हमारे जैसी और भी दुनिया हो सकती है? यह सवाल हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या अंतरिक्ष में कहीं और भी जीवन है? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। या हो सकता है कि एक नहीं बल्कि अनगिनत दुनियाएं हों। यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी। यह सोचने में बहुत मजा आता है कि क्या हमारे जैसे और भी ग्रह हैं जहां लोग रहते हैं, हंसते हैं और सपने देखते हैं। क्या वहां भी हमारी तरह की सभ्यताएं हो सकती हैं? यह विचार हमें मल्टीवर्स की अवधारणा की ओर ले जाता है। मल्टीवर्स का मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई और ब्रह्मांड हो सकते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों का एक छोटा सा हिस्सा है। हर ब्रह्मांड में अलग अलग नियम और जीवन के संभावनाएं हो सकती हैं। यह सोचकर ही रोमांच होता है ना? कल्पना कीजिए, अगर हम किसी और ब्रह्मांड में जा सकें और वहां की सभ्यता से मिल सकें। चलिए मल्टीवर्स के बारे में और जानते हैं। यह अवधारणा न केवल विज्ञान कथा में बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मल्टीवर्स की खोज से हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिल सकती है। वैज्ञानिक विभिन्न तरीकों से मल्टीवर्स की खोज कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मांडीय विकिरण का अध्ययन, क्वांटम यांत्रिकी और अन्य सिद्धांतों का परीक्षण। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन इसके परिणाम अद्भुत हो सकते हैं। मल्टीवर्स की अवधारणा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितने छोटे हैं और हमारा ज्ञान कितना सीमित है, लेकिन यह भी हमें प्रेरित करती है कि हम और अधिक जानने की कोशिश करें। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि क्या हमारे जैसी और भी दुनिया हो सकती है। यह एक रोमांचक सफर है जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। क्या आप तैयार हैं? चलिए मल्टीवर्स की इस अद्भुत दुनिया में कदम रखते हैं। मल्टीवर्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, कई ब्रह्मांडों का संग्रह है। यह एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को धुंधला करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े से समुद्र के किनारे खड़े हैं। समुद्र में जितनी लहरें हैं उतने ही ब्रह्मांड हैं। हर लहर एक अलग ब्रह्मांड है जिसमें अपने नियम और संभावनाएं हैं। कुछ ब्रह्मांड हमारे जैसे हो सकते हैं जबकि कुछ बिल्कुल अलग। हो सकता है कि कुछ ब्रह्मांडों में गुरुत्वाकर्षण उल्टा काम करता हो या प्रकाश की गति अलग हो। मल्टीवर्स की एक थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल फैलते हुए बबल की तरह है। यह थ्योरी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड एक अकेला नहीं है बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है। इस बबल के बाहर अनगिनत और बबल हैं जो दूसरे ब्रह्मांड हैं। हर बबल एक अलग ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है और हर ब्रह्मांड के अपने नियम और वास्तविकताएं हो सकती हैं। यह बबल लगातार फैल रहे हैं और नए बबल बना रहे हैं, अलग अलग ग्रह, तारे और शायद अलग अलग जीव भी। लेकिन यह सिर्फ एक थ्योरी है और वैज्ञानिक अभी भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह सच है। इसके लिए उन्हें और अधिक प्रमाण और शोध की आवश्यकता है। अगर यह थ्योरी सही साबित होती है तो यह हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। वैज्ञानिक विभिन्न तरीकों से इस थ्योरी की जांच कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना और यह देखना कि क्या हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अगर वे सफल होते हैं तो यह विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में तारों को देखें तो सोचिए कि शायद उन तारों के पार भी कुछ और है, एक और ब्रह्मांड, एक और बुलबुला जो हमारे ब्रह्मांड की तरह ही अद्भुत और रहस्यमय है। यह बबल लगातार फैल रहे हैं और नए बबल बना रहे हैं, यानी नए ब्रह्मांड। यह प्रक्रिया कभी न खत्म होने वाली है और हर नए बबल के साथ एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। यह वैसा ही है जैसे आप साबुन के घोल से बबल बनाते हैं, एक के बाद एक अनगिनत बबल। जैसे साबुन के बबल हवा में तैरते हैं,
वैसे ही ये ब्रह्मांड भी अंतरिक्ष में तैरते हैं। यह एक बहुत ही रोमांचक विचार है ना? सोचिए, हर बबल में एक अलग तरह का जीवन हो सकता है, अलग अलग ग्रह, तारे और शायद अलग अलग जीव भी। लेकिन यह सिर्फ एक थ्योरी है और वैज्ञानिक अभी भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह सच है। इसके लिए उन्हें और अधिक प्रमाण और शोध की आवश्यकता है। अगर यह थ्योरी सही साबित होती है तो यह हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। वैज्ञानिक विभिन्न तरीकों से इस थ्योरी की जांच कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना और यह देखना कि क्या हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अगर वे सफल होते हैं तो यह विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में तारों को देखें तो सोचिए कि शायद उन तारों के पार भी कुछ और है, एक और ब्रह्मांड, एक और बुलबुला, जो हमारे ब्रह्मांड की तरह ही अद्भुत और रहस्यमय है। मल्टीवर्स के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें आपके भी कई संस्करण हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने सुबह नाश्ते में ब्रेड बटर खाया, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड में आपने पराठे खाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हर ब्रह्मांड में हर छोटी से छोटी घटना के अलग अलग नतीजे होते हैं। तो हो सकता है कि एक ब्रह्मांड में आप एक वैज्ञानिक हों तो दूसरे में एक कलाकार। क्या हम कभी दूसरे यूनिवर्स देख पाएंगे? यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम दूसरे ब्रह्मांडों को देख सकें या उन तक पहुंच सकें। हम केवल अपने ब्रह्मांड के भीतर ही सीमित हैं। वैज्ञानिक नए नए थ्योरीज और मॉडल्स पर काम कर रहे हैं जो हमें इस दिशा में आगे जाने में मदद कर सकते हैं। मल्टीवर्स की अवधारणा केवल विज्ञान कथा तक सीमित नहीं है, यह एक गंभीर वैज्ञानिक विचार है जिसे कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया है। अगर हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाए तो यह मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हो सकता है कि एक दिन हम उन दूसरे ब्रह्मांडों को देख सकें और यह जान सकें कि वहां की दुनिया कैसी है। तब तक हमें अपने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और विज्ञान को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करते रहना होगा। अगर हम दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं तो क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो हमारी कल्पना को उड़ान देता है। अगर हम कभी किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं तो क्या होगा? हो सकता है कि वहां के नियम हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हों। हो सकता है कि वहां समय अलग तरह से चलता हो या गुरुत्वाकर्षण का कोई अस्तित्व ही ना हो। यह एक ऐसा रोमांच होगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। क्या मल्टीवर्स का अस्तित्व साबित हो सकता है? यह एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। फिलहाल मल्टीवर्स सिर्फ एक थ्योरी है और हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके रहस्यों को समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमें कुछ ऐसे सबूत मिलें जो मल्टीवर्स के अस्तित्व की पुष्टि कर सकें। तब तक हम बस कल्पना कर सकते हैं और इस अद्भुत विचार पर अचरज कर सकते हैं। मल्टीवर्स के बारे में सोचना क्यों जरूरी है? भले ही मल्टीवर्स सिर्फ एक थ्योरी हो, लेकिन इसके बारे में सोचना हमें ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी विशाल और रहस्यमय है और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। मल्टीवर्स की अवधारणा हमें कल्पना करने, सवाल पूछने और ब्रह्मांड के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपको पता है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों का रास्ता हो सकते हैं? कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सपने में हम दूसरे ब्रह्मांडों की यात्रा करते हैं। मल्टीवर्स का विचार कई फिल्मों, टीवी शो और किताबों में दिखाया गया है, जैसे कि एवेंजर्स एंडगेम और डॉक्टर स्ट्रेंज। यह सब सुनकर कैसा लगा? मजेदार
है ना? मल्टीवर्स एक ऐसा विचार है जो हमारी कल्पना को उड़ान देता है और हमें अनंत संभावनाओं की दुनिया में ले जाता है। भले ही हम अभी तक यह नहीं जानते कि मल्टीवर्स सच है या नहीं, लेकिन इसके बारे में सोचना हमें ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए हम अपनी कल्पना को उड़ान देते हैं। तो ये था मल्टीवर्स का अद्भुत और रहस्यमयी सफर। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। स्टडी केव को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम मिलकर और भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों की खोज कर सकें। तब तक के लिए सीखते रहें, जिज्ञासु बने रहें और हमेशा की तरह दुनिया को खुले मन से देखें।